211 रन लगभग बन चुके हैं और 7 विकेट हो चुके हैं। जो हाल ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम का हुआ था, सेम कुछ वैसा ही देखने को यहाँ पर भी मिला। दूसरे दिन की शुरुआत होती है और बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा होता है। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, वॉगनर, ये सब बॉलर एक साथ मिलकर जब एक साथ आक्रमण करते हैं भारतीय टीम के बल्लेबाजों के पास, उसका जवाब नहीं होता है। 7 विकेट खो चुके हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि टीम का स्कोर लगभग 200 के पार हो चुका है। इन सब पर चर्चा करेंगे और इंग्लैंड क्रिकेट को काफ़ी करीब से जिन्होंने देखा वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पलांडे जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश भाई, ये अमूमन साउथ कैम्पटन में होता है कि जब आप प्रकाश भाई, ये इंग्लैंड में अमूमन देखा गया है को कोई भी टीम रही हो, पहले दिन अगर वो हल्का सर्वाइव कर रही है, अच्छा खेल रही है, अगले दिन जब पहला सेशन होता है तब कहीं ना कहीं गेंदबाज भारी नजर आते हैं, वो आज भी वही हुआ। यार देखो, इंग्लैंड इंग्लैंड का क्रिकेट की खासियत ही वो है कि बॉल सीम ज्यादा होता है। और रही बात साउथहैम्पटन की, तो डेफिनेटली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में आती है सिटी, तो वहां पे वेदर अगर आप रेगुलरली देखो तो आपको धूप बहुत कम मिलेगी जो आपको लंदन में रेगुलरली मिलती है, बिकॉज साउथहैम्पटन इज ऑलमोस्ट कपल ऑफ आवर्स अवे फ्रॉम लंदन। तो वो थोड़ा सा फर्क है साउथहैम्पटन और लॉर्ड्स या ओवल ग्राउंड में बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री अराउंड। तो साउथहैम्पटन, यस डेफिनेटली इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स की ये वेदर हमको मिलेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली यही वेदर हमारे लिए अभी आने वाले फोरकास्ट भी बता रहे हैं यही वेदर होने वाला है। तो आई थिंक सो यही दोनों टीम का एक्चुअली रियल कसौटी तो यही है कि ये वेदर में ना न्यूजीलैंड रेगुलरली खेलती है ना इंडिया खेलती है, तो जो बेस्ट टीम होगी और जो जो प्रॉपरली रिवर्ट करेगी ये पर्टिकुलर एटमोसफेयर के लिए वो टीम जीतेगी। प्रकाश भाई, 5 मीडियम पेसर बॉलरों के साथ न्यूजीलैंड उतरा है, 3 गेंदबाज भारत के और 2 स्पिनर। ये बॉलिंग अगर देखी जाए दोनों की तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अभी फिलहाल तो बॉलिंग बहुत अच्छी की है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने। मुझे मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया अभी भी टेस्ट मैच में बना हुआ है, क्योंकि अगर आप साउथहैम्पटन की अगर हिस्ट्री निकाले तो वो जो ट्रैक है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने कोई स्पिनर नहीं देखा है इसको, लेकिन मुझे मुझे जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है साउथहैम्पटन गेम्स को देख के अभी तक का, या मैंने जो क्लोजली गेम्स वहां पे देखे हैं, तो चौथे पांचवें दिन ये स्पिनर विल कम टू द पार्टी। और उस वक्त एक्चुअली ये होने वाला है कि न्यूजीलैंड के पास उस वक्त कोई भी स्पिनर नहीं होगा, लेकिन इंडिया के पास वर्ल्ड के 2 बेस्ट स्पिनर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इंडिया हैज टेकन अ राइट डिसीजन बाय कीपिंग अश्विन एंड रविंद्र जडेजा इन द स्पॉट। सिर्फ थोड़ा सा टफ हमारे लिए हो सकता है केन विलियमसन, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो कोई भी अटैक के अगेंस्ट में रन कर सकता है, बिकॉज फुट मूवमेंट बहुत अच्छी चलती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक सो इंग्लैंड इंडिया का पल्ला अभी भी भारी है, क्योंकि इंडिया के पास 2 स्पिनर होंगे। और ये हमको ये नहीं भूलना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो न्यूजीलैंड को लास्ट इनिंग बैटिंग करना पड़ने वाला। तो जडेजा जो ये फर्स्ट इंडिया की न्यूजीलैंड की जो फर्स्ट इनिंग गेंदबाजी करेंगे तो वहां का फुट मार्क्स का बहुत सारा यूज होने वाला है, प्लस विकेट से हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप देखें मोइन अली का, अगर आप लास्ट स्पेल देखें साउथहैम्पटन में, इट वॉज सिंगल हैंडेडली उन्होंने इंग्लैंड को जिताया था। तो आई थिंक सो इंडिया अभी भी बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट मैच में बना हुआ है। क्या लगता है कितना स्कोर यहां पर ऐसा माना जाए कि हम सामने वाली टीम को उससे दबाव में ले सकते हैं? अभी लगभग 250 रन तो टीम इंडिया बना रही है, इसके ऊपर जो जाता है वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब आपकी टेल शुरू हो चुकी है। जडेजा वहां पर खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा क्रीज पर है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना स्कोर बन जाना चाहिए जिससे कि भारतीय टीम एक सेफ जोन पर जाके खड़ी हो जाएगी? देखिए, जो हिसाब से कल इंडिया ने स्टार्ट किया था, मुझे ऑलवेज ऑन द कार्ड्स लग रहा था कि 300 वोंट बी एन इशू, जो हिसाब की हमारी बैटिंग लाइनअप है। बट अनफॉर्चुनेटली यू नो, जो भी अगर आप देखिए सारे प्लेयर्स को स्टार्ट मिला है, विराट कोहली 40, अजिंक्य रहाणे 40, रोहित शर्मा 38, शुभमन गिल 28, तो जो टफ टाइम था वो उन्होंने निकाल लिया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, लंबा चल नहीं पाया। तो अगर आप अभी 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 एट द मोमेंट की जो अगर हम सिचुएशन देखेंगे,
तो पहले इनिंग में बहुत टफ होगा बोलना कि हम 400 रन बनाएंगे, 500 रन बनाते तो हम लोग पूरे गेम में रहते, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, इट्स लाइक वर्ल्ड कप का फाइनल, तो प्रेशर न्यूजीलैंड पे भी होने वाला है। लेकिन हमको ये इनिंग के ऊपर अगर इंडिया 275-280 भी करता है और अगर न्यूजीलैंड को फर्स्ट इनिंग में बहुत टफ टाइम देता है, क्योंकि आने वाले टाइम में चौथा और पांचवा दिन बहुत अहम होने वाला है, बहुत बहुत अहम होने वाला है। द रीजन इज ये एक या दो एक इनिंग की गेम टेस्ट मैच नहीं है, ये लास्ट तक खत्म होनी है, राइट। तो अगर इंडिया ने जो सबसे कल शुरू किया था तो 350 वॉज द वेरी गुड स्कोर, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो आज क्योंकि जडेजा अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ईशांत का अभी तक का हिस्ट्री रहा है, वो खड़े कोई भी ट्रैक पर रह सकते, तो यू नेवर नो, 275-280 हमको टेस्ट मैच में रखेगा। और अगर जडेजा कोई एक वन ऑफ द ग्रेट नॉक खेल लेते हैं, एक क्विक नॉक जैसे उन्होंने आईपीएल में वगैरह किया था, डेफिनेटली उसका कंपेरिजन यहाँ नहीं है, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन अगर 40-50 की इनिंग अभी अगर यहाँ से रविंद्र जडेजा अगर खेल जाते हैं तो आई थिंक 275-300 वोंट बी एन इश्यू, क्योंकि मेन गेम होने वाला है सेकेंड इनिंग वाला। सेकेंड फेज जब मैच का होगा तब वहां पर जाके टेस्ट चैंपियनशिप और मजेदार होने वाली है, बॉलर्स का और रोल खुल के आने वाला है। न्यूजीलैंड के पास एक थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनके पास स्पिनर नहीं है, मेरे हिसाब से पार्ट टाइम स्पिनर्स को एक बार वो यूज़ जरूर करेंगे, केन विलियमसन के रूप में है, अगर वो डालना चाहें बॉल तो वो डाल सकते हैं, पर यहाँ पर पार्ट टाइमर का प्रयोग ज़्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स को खेलने में महारत हासिल है भारतीय गेंदबाजों के पास और बल्लेबाजों के पास, दोनों के पास। और अगर बात करें भारतीय टीम के पास तो दो बेस्ट ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट के और बेस्ट स्पिन बॉलर दोनों ही भारतीय टीम में हैं, जडेजा और अश्विन। ये दोनों अगर इनको कोई भी ट्रैक हो, इनका जो ड्रिफ्ट कराते हैं एयर में, जो बॉल एयर में छोड़ते हैं, उसका फ़ायदा इनको मिलने वाला है, क्योंकि विकेट से अगर मदद नहीं भी है तो ये लोग हाथ से जो बॉल को ड्रिफ्ट कराते हैं, थोड़ा तेज फेंकते हैं एयर में, उससे ही फ़ायदा मिलने वाला है। प्रकाश भाई देखिए, जब भी हम लोग मैं प्रीमियर लीग में जब वगैरह होता था, ये बड़े बड़े प्लेयर हुआ करते थे, तब मैं उनको डेफिनेटली एक सवाल जरूर पूछता था। इवन तो एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने मुझे कहा था कि मैं उसको पूछा कि आपके लिए सबसे टफेस्ट बॉलर कौन है इंडियन टीम में, माइट बी बुमराह और समथिंग, बोला नहीं, इट्स रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा जब बॉल रिलीज करता है एक्चुअली दिखता नहीं है, और लेफ्ट हैंडर अगर ये बोल रहा है तो डेफिनेटली वो प्लेयर में वो क्षमता होगी, और वो उन्होंने प्रूव भी किया, राइट। तो अश्विन एंड रविंद्र जडेजा आई थिंक सो इज गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रबल मेकर फॉर न्यूजीलैंड, इसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि दोनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्रेशर है, दोनों हमारे स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस ऊपर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो ये टेस्ट मैच में आप अगर यूजुअली अगर देखें तो ऑफ द ट्रैक बॉल स्विंग ज्यादा होता है, लेकिन ये टेस्ट मैच में आप देखिए ऑफ द ट्रैक भी हो रहा है और इन द एयर भी हो रहा है। और अगर आप तीन बॉलर अगर आप देखें इंडियन टीम के फास्ट बॉलर, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स जो इंडियन टीम ले जा सकती है पर्टिकुलर टेस्ट मैच में। न्यूजीलैंड का भी आप देखिए, सऊदी ने 60 रन ऑलरेडी खाए है, नील वेंडर ने थोड़ा प्रेशर बनाया है, थोड़ा ट्रेंड बोल्ट ने बनाया, इसीलिए उसका फायदा किसने लिया है, जेमिसन ने। तो हमारे यहाँ पे अगर दो तीन बॉलर अगर प्रेशर बनाए तो उसका एडवांटेज मेरे ख्याल से रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा जरूर उठाएंगे। जो आपने प्रेशर बनाने की बात कही ना, ये टीम साउथ ही बनाया करते थे, अभी आप इससे पहले की सीरीज अगर देखें ना, तो वो अंदर बाहर बॉल फेंक के बॉलर्स को परेशान करते थे और ट्रेंड बोल डाकर अपनी जेन्युइन इंस्टिंक्ट मारकर विकेट लेते थे और मैच को अपनी तरफ खींचते थे, लेकिन आज उल्टा हुआ है। टिम साउथी थोड़े महंगे साबित हुए हैं, यहाँ पर वॉगनर और बोल्ट ने प्रेशर बनाया है और इनका फ़ायदा जेमिसन को मिला है, जेमिसन जो कि तेज गेंद फेंक रहे हैं, शोल्डर लगा रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको मिल गया। साउथी का भी रोल फील्डिंग में बड़ा अच्छा आया कि फील्डिंग बहुत अच्छी की है, कैच अच्छे लिए, लेकिन जो मूल काम है उनका उसमें अभी तक वो पुराने साउथी दिखे नहीं है। प्रेशर इसी को कहते हैं, एक एक एज के साथ, जैसे हम लोग ने टीम सऊदी को एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो देखा था जब वो खेल रहे थे, उसके बाद जब वो आए और इंडिया के अगेंस्ट में न्यूजीलैंड में उन्होंने क्राइस्टचर्च ऑकलैंड में वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स डाला था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अपनी लय से वो थोड़ा भटक रहे, बट नेवरदलेस बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की है, लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखो तो इट्स नॉट सो इजी, सो एक बॉलर के अगेंस्ट में तो ये एनालिसिस आने ही थे, तो इंडिया ने बराबर सऊदी को पकड़ा है। और जहां रही कि फील्डिंग की बात, कल उन्होंने ब्रिलियंट कैच पकड़ा था गली में, लेकिन आज लंच लंच के पहले उन्होंने
रविंद्र जडेजा का कैच ड्रॉप किया है, और मुझे मुझे जो पर्सनली लग रहा है क्योंकि मैं मेरे भाई जो है उनके साथ बैठा था, अरविंद सोलंकी जी के साथ बैठा था, मैंने पहले उनको यही चीज कही कि सर मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने टेस्ट मैच छोड़ी है, क्योंकि वो एक प्लेयर ऐसा है कि वो आपके पूरे मैट्रिक्स बदल देगा मैच के। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ नाउ, रविंद्र जडेजा के साथ उसका नसीब आज साथ दे रहा है। एंड आई होपफुली, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंडिया ये टेस्ट मैच में आज भी न्यूजीलैंड से ऊपर है। बिल्कुल, और रविंद्र जडेजा का साथ भी आपके बहुत खास मित्र हैं ईशांत शर्मा, वो उनका भी इसमें रोल देखना होगा एज अ बैट्समैन। अभी मैंने उनको देखा जो कवर ड्राइव उन्होंने पुराने अपने बक्से से निकाल लिए, उन्होंने इसी के लिए कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं आया हूँ 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए। उन्होंने दिखाया कि वो क्यों ईशांत शर्मा को नाइट वॉचमैन में भेज भेज के, इतना नाइट वॉचमैन उनसे बैटिंग कराई गई है कि अब वो एक प्योर बैट्समैन के रूप में आ चुके हैं। और ये आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं ईशांत शर्मा की बैटिंग के बारे में। जब जब हम मैंने उनको ससेक्स काउंटी में प्लेस किया था, तब आपने देखा रहेगा उन्होंने उनके फर्स्ट क्लास करियर का पहला 50 रन की पारी खेली थी। तो यू नो ही हैज ग्रोन एज अ बैट्समैन आल्सो, ठीक है, मतलब वो सिचुएशन में, फिर वो दिल्ली की टीम हो या फिर ससेक्स काउंटी हो या फिर इंडियन टीम हो, उन्होंने उन्होंने हालांकि उनका एवरेज 8 से 10 के बीच में है, लेकिन वो जो टाइम स्पेंड करते हैं विकेट पे वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड मुझे लगता है एज एन टैलेंडर आप अगर देखिए तो एक प्लेयर के पास वो जज्बा होना चाहिए, क्योंकि नील वैगनर, फिर आप ये टेस्ट मैच की बात करें, बट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी किया है और उन्होंने इसमें भी किया है, श्रीलंका में भी किया है, जब दमिका प्रसाद एक लेवल पे टॉप प्लेयर हुआ करते थे। तो यू नो अभी अभी बहुत बहुत मैच्योर्ड ईशांत शर्मा हमको देखने मिलता है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क और उनका जज्बा। और इसका भी पूरा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शमी भी बैटिंग कर लेते हैं तो भारत की बैटिंग लाइनअप में बहुत नीचे तक डेप्थ है। आपको 30-40 रन बना के दोनों बल्लेबाज दे सकते हैं, 40-40 रन दोनों। और जडेजा को अगर साथ मिलता रहा और थोड़ा अगर इन लोगों ने पार्ट टाइमर को लगा दिया और जडेजा सेट हो गए, तो ये स्कोर मुझे लगता है 400 चला जाएगा और बहुत तेजी के साथ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि इसी मैच में जडेजा 100 मार दें। देखिए जैसे अभी आपने कहा कि पार्ट टाइमर की, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कहीं भी पार्ट टाइमर्स लगेंगे, क्योंकि अगर आप हर फास्ट बोलर्स का स्पेल देखें तो सब लोग ने ब्रेक्स में किया है, किसी ने 12-15 ओवर कंटिन्यूअसली नहीं डाले, जबकि जेम्स एंडरसन डालते हैं 10-10 12-12 ओवर, स्टुअर्ट ब्रॉड 12-12 ओवर डालते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि पार्ट टाइमर जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि केन विलियमसन के लिए, तो मुझे नहीं लगता केन विलियमसन को अभी तक क्लियरेंस मिला है बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एक्शन जो 4 साल पहले रिपोर्ट किया गया था। तो क्योंकि उनको पता है अगर कोई भी स्पिनर इंडिया के सामने आया, जडेजा सामने, भले फिर वो ऑफ स्पिनर हो, जडेजा 40-45 रन लेंगे। इसीलिए तो उन्होंने एजाज पटेल को भी रिप्लेस किया लास्ट में, कि उनको पता है। आप देखिए ना, अगर यही चार बॉलर होते और पांचवा होता तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन भी लंच में बैटिंग करते होते 20-20 रन के ऊपर। स्पिनर के अगेंस्ट में तो लोग चांस नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया को कोई मार्जिन ऑफ एरर देना ही नहीं है, और ये बहुत अच्छी रणनीति है। तो मुझे नहीं लगता पार्ट टाइमर एक्शन में आएंगे व्हेन यू हैव टॉप क्वालिटी 5 फास्ट बॉलर इन द स्क्वाड। मुझे लगता है ये तब हो सकता है इफ टीम इज 400 फॉर ऑन द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, पर अभी न्यूजीलैंड भी क्या कोई टेस्ट मैच से बाहर नहीं है, तो अभी पार्ट टाइमर की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है केन विलियमसन को एक स्पिनर जरूर न्यूजीलैंड को खिलाना चाहिए था। जो आपको ये सारे मीडियम पेसर है ना, ये आप इनसे बड़े बड़े ओवर भी नहीं करा रहे हैं, जैसे आपने ब्रॉड और एंडरसन का नाम दिया, ये इसीलिए इन लोग को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, क्योंकि ये 10 से 15 ओवर का एक स्पेल डालते हैं दोनों लोग, चाहे वो ब्रॉड हो चाहे वो जेम्स एंडरसन हो। इसीलिए इन लोग एक तरफा चीज़ें करते हैं कि अपने उस पर जब जहाँ ब्रेक मिलता है वहाँ पर मोइन अली, अब्दुल राशिद, इन सबको लगा देते हैं। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं है, तो इनको अब कुछ ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, और एक टाइम पर सब समझ जाएंगे कि टिम साउथी कैसी बॉल फेंकने वाले हैं, बोल्ट कैसी बॉल फेंकेंगे, जेमिनसन क्या कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें खुल जाएंगी। नहीं, ये मैं टोटली एग्री करता हूँ। मैं बस एक दे रहा हूँ कि जैसे आप देखिए अभी कल से इनके फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम अगर इंडिया ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया और शाम तक या कल सवेरे अर्ली सेशन तक न्यूजीलैंड को यू नो हो गया, मतलब 70-75-100 रन पर ऑल आउट हो गया और इंडिया ने अगर फॉलो ऑन दे दिया, तो क्या इनके बॉलर्स में दम होगा वापस इतने लंबे स्पेल्स करने का? तो बॉलर्स को रेस्ट कहां से मिलती? सो ये थोड़ा सा, जैसे आपने कहा, मैं टोटली एग्री करता हूँ,
एटलीस्ट एक ऐसा कोई ऑलराउंडर इनके पास होना चाहिए था जिसमें वो बैटिंग के ऊपर भी रिलाय कर पाए और अगर जरूरत पड़ी तो आके लेग स्पिन या ऑफ स्पिन तो कर पाए। आपने बहुत राइट एग्जांपल दिया, आदिल रशीद। आदिल रशीद क्या करते हैं, आदिल रशीद आके कोई भी टेस्ट मैच में 10-15 ओवर नहीं डालते, वो सिर्फ आते ही उनके फास्ट बॉलर्स को ब्रेक देने के लिए और आके एक विकेट निकाल के ले जाते हैं। आप बताइए ना, आदिल रशीद ने मुझे कि आपने 20 ओवर कंटिन्यूअसली उन्होंने डाला एक्सेप्ट इवन ही वाज प्लेइंग इन इंडिया, इंग्लैंड में मुझे बताइए ना कहां मोइन अली डालते हैं 15-15 ओवर टेस्ट पे। आते जेम्स एंडरसन या फिर आपका स्टुअर्ट ब्रॉड, उनको रेस्ट देने के लिए आते। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए कोई है नहीं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, ये टेस्ट मैच चौथे और पांचवें दिन की भी लड़ाई है, ये पहले और दूसरे दिन की लड़ाई नहीं है। ना इंडिया मनाए जो अभी सिचुएशन में है, ना न्यूजीलैंड मनाए, क्योंकि अब अभी रास्ता बहुत दूर है, मंजिल अभी बहुत दूर है दोनों टीम्स के। और जिसमें स्पिनर नहीं है तो मुझे अभी भी लग रहा है इंडिया का पल्ला आज भी भारी है। कोई अग्री नहीं करेगा, हमारे श्रोते अभी अग्री नहीं करेंगे मेरे कहने से, बट लेट्स सी दिस। बिल्कुल प्रकाश भैया बने हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने 5 गेंदबाज लिए जरूर है, अपनी टीम के साथ खिलाया जरूर, लेकिन एक टाइम पर वो भी थकेंगे। अगर जल्दी मैच न्यूजीलैंड की पारी सिमटती है तो, जैसे प्रकाश भाई ने कहा, तो उनके बॉलर्स को रेस्ट नहीं मिल पाएगा और इसका फायदा भारतीय टीम को हो सकता है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देव भूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टेस्ट में बेस्ट। कौन से चलते हैं प्रकाश भाई के पास। प्रकाश भाई, हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस तरह से कि आपने 5 गेंदबाज जरूर खिला लिए हैं, बल्लेबाजों को तो बहुत रेस्ट है, वो तो फील्डिंग कर रहे हैं, बीच में चेंज होते जाएंगे, लेकिन 5 गेंदबाजों को आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन उन्हें ग्राउंड से बाहर भी नहीं कर सकते आप। कि यदि टिम साउथी अच्छा स्पेल फेंक रहे हैं, अगर उन्हें 2 ओवर ही बाहर जाना पड़ा तो यहाँ तो खेल बदल जाएगा, क्योंकि टिम साउथी ने प्रेशर बनाया हुआ है और ये बाहर जाते हैं फिर वो 2 ओवर पूरा गेम बदल जाएगा, क्योंकि हर ओवर इंडिया आगे हो रही है, हर ओवर न्यूजीलैंड आगे हो रहा है। देखिए, जैसे कल हमने देखा माइकल वॉन का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि इंडिया इज डूइंग रियली वेरी गुड, क्योंकि ज्यादा विकेट्स नहीं गए इंडिया के, बट हालांकि आज वो गए विकेट्स। बट अभी भी अगर आप मुझे, अगर अभी एट द मोमेंट अगर आप देखते हो तो दोनों टीम्स जो है वो आप देखिए, कल पहला सत्र थोड़ा इंडिया के फेवर में था, सेकेंड विराट कोहली ने थर्ड सेशन के आसपास बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा न्यूजीलैंडर बोलर्स जॉइंट द पार्टी। आज सब आप देखिए विराट कोहली अजिंक्य रहाणे स्टार्टेड लिटिल वेल, फिर बॉलर्स और अभी रविचंद्रन अश्विन और इनकी ऑलमोस्ट 35-40 रन की पार्टनरशिप जो है ना, ये बहुत आने वाले टाइम पे अहम रही और वो होते जा रहा है। तो अभी अगर आप मुझे पूछे, आंकड़ा नहीं बताएगा शायद से, बट एज एन क्रिकेट एनालिस्ट मुझे लग रहा है इंडिया इज गोइंग स्लोली, न्यूजीलैंड इज गोइंग स्लोली, बट इंडिया विल टच द रेड बेल्ट फर्स्ट। और मेरा ये मानना है प्रकाश भाई कि इन ऐसे विकेटों पे आपको जरूर नहीं कि हर बैट्समैन और दो बल्लेबाजों के बीच 100-100 रन की पार्टनरशिप हो,
बेशक अब 40 रन 50 रन जो छोटी छोटी साझेदारियां होती है ना, थोड़े थोड़े रन बनते हैं, उसके बाद एकदम से स्कोर आप देखें तो 400 हो जाता है, 450 हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक ने 60 बनाए, बाकी टीम ने 30 40 45 रन ऐसे बने और टीम का स्कोर बहुत अच्छा हो गया। मुझे लगता है ये भी मैच वैसा ही होने वाला है। देखिए जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि जैसे प्रकाश भाई 35-40 के भी अगर पार्टनरशिप होते रहे, क्योंकि देखिए टोटल 11 बल्ले हर पैर ने अगर 40-30 रन अगर बनाए तो 400 तो ऐसी कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है, बट उतना होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे 30-40 रन की पारियां चली रही है, कब से चल रही है, रोहित शर्मा शुभमन गिल, फिर विराट अजिंक्य रहाणे, फिर अश्विन जडेजा, तो अभी जडेजा और ईशान भी है, तो क्या पता है हमको और एक 40-50 की एक पार्टनरशिप देखने मिले। और इसके साथ मैं थोड़ा सा क्रेडिट पुजारा को भी देना चाहूंगा, जो उन्होंने 40-45 बॉल आके खेले है वो भी एक पारी थी। सी टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट पेशेंस, और जो उन्होंने 35वें 36वें बॉल पे पहली बाउंड्री मार के उन्होंने किया, लेकिन आप देखो वो लड़के ने 1.5 घंटा खड़ा रहा। आप देखिए पुजारा, अगर वो 1.5 घंटा खड़ा नहीं रहता और अजिंक्य रहाणे आता और अगर उसकी विकेट चली जाती तो इंडिया का सिचुएशन क्या होता, तो वो जो डॉट बॉल खेलते वो भी एक पारी होती है। तो मैं सोचूंगा, मैं समझूंगा कि अभी तक जो भी हमारे बच्चे कर रहे हैं दे आर रियली डूइंग गुड, वी नीड टू हैव अ लिटिल पेशेंस। 30-40 की पारी खेलो, सेकेंड इनिंग में एक बल्ले अगर 90-80 रन की पारी खेल जाता है और सारे 20-25 की पारी खेल जाता है तो इंडिया विल गेट थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारी बॉलिंग, और अगर आप मैच अगर पूरी देखे रहेंगे तो बाउंसर पे एक भी विकेट नहीं गई, बाउंसर मारे ही नहीं है ज्यादा। अगर आप रेशियो निकाले तो सारा जो हुआ है वो गुड लेंथ से हुआ है। तो फास्ट बॉलर्स को आज सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, हमारे जो फास्ट बॉलर्स है भले आगे डालेंगे एक बाउंड्री खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टप्पा उन्होंने बदलना नहीं चाहिए। शॉर्ट बॉल यहाँ पे ज्यादा काम नहीं आएगा। अजिंक्य रहाणे भी जिस बॉल पे आउट हुए दैट वाज नॉट अ बाउंसर, दैट वाज अ रॉन्ग शॉट, क्योंकि पहले मिड विकेट नहीं था, उन्होंने मिड विकेट लाया, शॉर्ट मिड विकेट और डीप मिड विकेट, तो वो शॉट बनता ही नहीं था, तो वो ग्लाइड कर सकते थे, दैट वाज अ रॉन्ग शॉट सिलेक्शन। तो बैट्समैन को गलती करने दीजिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ रखिए, क्योंकि केन विलियमसन हो विराट कोहली हो अगर आप वो टीजिंग लाइन डालते रहेंगे, बिकॉज वो भी बैट्समैन है, ह्यूमन बींग से गलती वो भी करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि कौन पेशेंस नहीं खोता, अगर हमारे पास नहीं होंगे और अगर पेशेंस के ऊपर अच्छा वर्क करेंगे और गुड लेंथ पे अगर डालते रहेंगे तो आई थिंक इंडिया का अटैक न्यूजीलैंड से 2 गुना ज्यादा है, क्योंकि उनके सिर्फ तेज बॉलर्स है और लिटिल लैटरल मोमेंट है, जबकि हमारे पास मोहम्मद शमी कोई भी मट्टी के विकेट पे भी काटा बदल देता है वो बॉलर। तो डेफिनेटली मोहम्मद शमी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पिक ऑफ द बॉलर्स अलोंग विद ईशांत शर्मा। बिल्कुल प्रकाश भाई, अब तो नजर बनी रहेगी कैसे अभी भारतीय टीम और अच्छी बैटिंग करती है और कैसे बॉलिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया किन्यूज जुड़ने के लिए प्रकाश भाई। हम लोग बात कर रहे जिस तरह से भारतीय टीम आज पहले सेशन में 4 विकेट गवा दिए हैं, 7 विकेट हो चुके हैं। लंच तक भारत का स्कोर 211 पे 7 विकेट था। जडेजा और ईशान शर्मा अब 2 ये क्रीज पर टिके हुए हैं। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के तहत हर को जो भी बल्लेबाजों की जोड़ी आ रही है वो 20-30 रन की पार्टनरशिप जरूर कर रही है, जिसकी वजह से शायद एक बड़ा स्कोर तैयार हो रहा है और ये न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव में जरूर लेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए केन्स इंडिया। नमस्कार।